वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये सम जो है वो थर्ड सम है, दो सम की मैंने वीडियो कल आपको भेजी थी। तो 13.1 का ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इज गिव्स ₹50,000। मतलब वाइट वाशिंग जो है वो फोर वॉल्स की करनी है, तो फोर वॉल्स का जो टोटल कॉस्ट है वो हमें ₹15,000 दिया हुआ है, और उसका रेट जो है वो ₹10 पर मीटर स्क्वेयर है। यानी ऐसे 1 मीटर स्क्वेयर का जो रेट है वो ₹10 है। तो ये जो रेट है, अगर इसको जो जितने पैसे टोटल लगते हैं उसको अगर हम ₹10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स विल बी इक्वल टू 15,000 ओवर ₹10। तो 1500 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ गया। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर इनटू हाइट इज इक्वल टू 1500 आ गया। तो हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालेंगे तो 1500 ओवर पेरीमीटर हमें 250 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर हमें 250 मीटर दिया हुआ है, तो एरिया को पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। यानी हमें हमारा फार्मूला होता है पेरीमीटर इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। तो हाइट निकालेंगे तो एरिया जो होगा उसको पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो 6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमें क्या दिया था, एक हाइट दी थी, एक पेरीमीटर दिया हुआ था, ठीक है, एक कॉस्ट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे, कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया को पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। तो ये था आपका सम नंबर 3। तो जो फोर्थ सम है वो है लेंथ ऑफ ब्रिक। ठीक है, लेंथ जो है वो है हमारी 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है ब्रिक की 10 सेंटीमीटर, और हाइट है ब्रिक की 7.5 सेंटीमीटर। तो जो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, तो इसका ये फार्मूला है 2 × LB। LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो हम 2 आगे लगा के 22.5 जो ये वाली है लेंथ यहाँ लेंगे, और ये 10 यहाँ लेंगे, और फिर इसको और इसको यहाँ लेंगे, और इसको यहाँ लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने से 225 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से 75 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से 168.75 आ गया। तो ये जो अंदर का है प्लस करके आ गया 468.75। तो इसको जो बाहर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9.375। ये आपके आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए ये। ठीक है, तो हमें और दिया हुआ है, ये देखो हमें दिया हुआ है कि 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए हमें पेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो जिससे इतना एरिया इतने मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है। तो ये हमें एरिया दिया हुआ है, टोटल जो ईंटें हमने करनी है, तो एक ईंट का हमने निकाल लिया, तो हमें मीटर स्क्वायर में ये दिया हुआ, तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 3 दशमलव के बाद 3 पॉइंट हैं, तो 1,000 आ गया। ठीक है, इसके नीचे, और 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 9375 मल्टीप्लाई 10। 9375 ये पॉइंट नहीं लगेगा, 937.0 नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में टोटल एरिया हो गया। तो इसको जो हमारी एक ईंट का एरिया है उससे डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट का 10 ऊपर लगेगा, 9375 कट जाएंगे, तो 100 ब्रिक्स हमारा आंसर आएगा। तो ये है आपकी आज की वीडियो। ओके, ये जो सम है इसको आपने अपनी कॉपी पे करना है और फिर मुझे चेक करवाना है। ओके, थैंक यू।